अब जो है हम जा रहे हैं असद हनीफ साहब से मिलने के लिए, तो अब मिलते हैं, देखते हैं उनका क्या रवैया होता है हमारे साथ। ये जो है हालत में बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? मैं डर रहा था आपके पास आने से थोड़ा सा। बहुत जल्द आज माशाल्लाह से आज की तारीख में कोई 10-12 रुपए डॉलर 10-12 हज़ार रुपए सोने का रेट नीचे आया और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी सब कुछ सही हो जाएगा। और अपने कामों को फोकस करें, अपनी तालीम को फोकस करें, इसी मुल्क के अंदर काम करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो आज की जो वीडियो है वो किसी आउटिंग की या फिर किसी डिनर की नहीं है, बल्कि एक मीटअप की, वो भी कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन के चेयरमैन और हवेली रेस्टोरेंट के ऑनर असद हनीफ साहब से। अच्छा, इनकी पर्सनैलिटी की मैं क्या ही बात करूँ, ही इज़ अ नाइस गाय, अ ओपन हार्टेड पर्सन, अ हम्बल गाय। इनकी मेज़बानी की तो मैं मिसाल दे ही नहीं सकता आपको कि क्या मेज़बानी की गई हमारी और क्या प्रोटोकॉल दिया गया हमारा और कितनी मोहब्बत दी गई, ना कि सिर्फ इन्होंने बल्कि इनकी फैमिली ने क्या मोहब्बत दिया हमें, जिसकी मिसाल मैं आपको दे ही नहीं सकता। और सबसे ज़्यादा जो हमारी मेहनत वसूल हुई ना, वो यहाँ पर हुई जब इन्होंने ये कहा। सबसे बड़ा जो मैं आज आपसे ये बात कहूँगा कि आप की आपकी व्लॉग्स माशाल्लाह से अच्छे होते हैं और काफ़ी चलते हैं। मतलब यार, एक इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, जो आप उनसे टाइम मांगो, आप उनसे कहो कि आपसे मैं मिलना चाहता हूँ और आपको इजाज़त दे दे, आपसे बातें करे, आपको मोटिवेट करे, आपको जो है बहुत, मतलब मैं आपसे नहीं बता सकता मुझे मतलब क्या प्रीशियस टाइम था वो। अब वीडियो में हर चीज़ की नहीं बना सकता था, मतलब वीडियो से 3 से 4 मिनट की बनाई, लेकिन जो हमारा मीटअप था ना वो टोटल रहा आधे घंटे का। तो बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ उन्होंने बताया, बहुत सारी चीज़ें थी जो आगे जा के दिखाता हूँ। कि जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं वो एक काम करें, ज़खीरा अंदूजी बंद करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया है ज़खीरा अंदूजी का। जो आज डॉलर आपका जो बढ़ा हुआ है, ये ज़खीरा अंदूजी की वजह से बढ़ा हुआ है, ये इस्तेमाल की वजह से नहीं बढ़ा हुआ। ये जो सोने का भाव बढ़ा हुआ है, ज़खीरा अंदूजी की वजह से बढ़ा हुआ है। और आप यकीन करें, इंशाल्लाह ताला वो दे रहे हैं कि आपको इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द डॉलर 150 रुपये पर दिखने वाला है। क्योंकि इस वक्त जो है हमारे फौज के सिपा सालार, हमारे मुल्क के सिपा सालार सैयद आसिम मुनीर साहब जो है इस वक्त एक्टिव हो चुके हैं चीज़ों को सही करने के लिए, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द गुड रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सर, हम तो यही बोलेंगे, होप फॉर बेस्ट है, हमारी उम्मीदें लगी हुई हैं। अब जनरल आसिम मुनीर साहब से भी यही गुजारिश है, करें वो कुछ ना कुछ। कर रहे हैं, बिल्कुल, आप देखें, कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज को बुला रहे हैं, इंडस्ट्रीज को जोड़ें। पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन डेली उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, वो हर चीज़ को छोड़ छाड़ के चीज़ों को देखें। ये उनका काम नहीं था, मगर वो उनकी मजबूरी बन गई है कि उनको करना पड़ेगा, कुछ तो किसी को तो स्टैंड लेना पड़ेगा, खतरनाक डंडा देना पड़ेगा उन जखीरा अंदोजों को, जो लोग जखीरा करके इस मुल्क की तबाही का बाइस बने। बिल्कुल ऐसी ही है, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत जल्द आज माशाल्लाह से आज की तारीख में कोई 10-12 रुपए डॉलर और 10-12 हज़ार पेट्रोल 10-12 हज़ार रुपए सोने का रेट नीचे आया, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी सब कुछ सही हो जाएगा और पाकिस्तान इंशाल्लाह सही है, और बिल्कुल हमारा मुल्क और बहुत आगे जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल अच्छा हो जाए, नहीं अच्छा होगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह नहीं होता, अच्छा होने में किसी और की गलती नहीं है, अच्छा होने में आपकी और हमारी गलती है कि हम लोग जो है वो ना वोट देने जाते हैं, सोशल मीडिया पे सारे बात करते हैं, कमेंट्स करते हैं, चीज़ें करते हैं, मगर अपने कामों पे, अपने चीज़ों पे फोकस नहीं करते हैं। आज नौजवान तबका जिससे पूछो कहता है मैं बाहर जाऊंगा। भाई बाहर जाके तुम तो चीज़ों को और ख़राब कर दोगे, तुम वहाँ पर नहीं जम सकते। ये पाकिस्तान ही हमारा मुल्क है, इस मिट्टी से, इस धरती से प्यार करता है, अपने लोगों के साथ शाना बशाना खड़ा होना है। सियासत सियासी होके, सियासत के लोगों में आके सियासी बन के कोई चीज़ आप सीधी नहीं कर सकते। आप चीज़ों को सीधा करना है तो आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने कामों को फोकस करें, अपनी तालीम को फोकस करें, इसी मुल्क के अंदर काम करें। चाइना जैसा मुल्क आपके मुल्क में काम करने के लिए आ रहा है, सऊदी अरब आपके मुल्क में काम करना है, ज़रात का शोबा है, दूसरे शोबे हैं, कारोबार के शोबे हैं, रेस्ट बिज़नेस की तरफ जाएँ, चीज़ें छोटे छोटे काम करें, छोटे छोटे से स्टार्ट लें। मैं लोगों को ये कहता हूँ आजकल कि सबसे जो ये मशवरा है मेरा, ये भी एक बहुत बड़ा जो सिक्का है कि हम लोगों को इस पर मोटिवेट करते हैं कि यार लोग बिज़नेस की तरफ जाएं, कारोबार की तरफ जाएं, छोटे काम करें, छोटे पैसों से काम करें। अभी वाइट कॉलर रहने का टाइम नहीं है, इस वक्त घर से निकलने का टाइम और पैसे कमाने का टाइम। वैसे ही अल्लाह ने जो है ना हमें बलूचिस्तान के नाम से कितने ज़रात दिए हैं, मतलब वहाँ पर सब कुछ है, गोल्ड कोल सब कुछ है, हम फ़ायदा उठा सकते हैं एज अ कंट्री, एज अ नेशन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का, मैं इंतहाई आपका मशहूर हूँ, तो इंशाल्लाह कभी लाजमी बनाना, खाने का जरूर लाजमी बनाऊंगा खाने का। तो वीडियो तो आप लोगों ने देख ली होगी और यकीनन बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो बस यही था वीडियो का मकसद। और जब तक मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।